अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम सजाद, एडवोकेट। ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियो के अंदर हम मेडिकल इक्विपमेंट तक पहुंच चुके हैं। ये मैंने अपने इक्विपमेंट ऐड कर लिए। नेक्स्ट हम जाएंगे इसके अंदर अटैचमेंट के अंदर। तो जैसे ही अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप की अटैचमेंट मांगी हुई है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी अटैचमेंट देनी है। आपकी कोई भी रजिस्ट्रेशन होगी तो एक अटैचमेंट आपने लाजमी लगानी है कि जिस जगह पे आपका क्लिनिक है वो जगह आपकी अपनी है या किराए पे है। अगर आपकी अपनी है तो आप अपनी रजिस्ट्री की फर्द की वहां पे अटैच उसको स्कैन करके लगाएंगे। अगर आपने रेंट पे ली हुई है तो उसका जो रेंट एग्रीमेंट है वो आप लाजमी यहाँ पे अपलोड करेंगे। दूसरी चीज ये कि अगर आप कलेक्शन सेंटर के तौर पे रजिस्टर करवा रहे हैं तो फिर जिस लैब के साथ आपका एग्रीमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे मैंने जिस मेन लेबोरेटरी के साथ, मतलब मेरा शोकत खानम के साथ मेरा एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे मैं कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेन लैब। तो अगर कलेक्शन सेंटर के तौर पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं आके अपनी कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ शोकत खानम लैब यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। दूसरा, शोकत खानम जो लैब है उसके साथ मेरा एक MOU साइन होगा जिसको हम अथॉरिटी लेटर भी कह सकते हैं। तो वो मुझे जारी करेंगे, वो मुझे ऑथराइज करेंगे कि मैं कलेक्शन सेंटर उनके नाम के ऊपर सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इसी तरह यहाँ पे जो ना अदर स्टाफ, यहाँ पे कलेक्शन सेंटर के अंदर जो बंदा सैंपल कलेक्ट कर रहा है उसका जो ट्रेनिंग उसने ली हुई है वो यहाँ पे आके मैं अपलोड कर दूंगा। इसके साथ ही आपने, अगर आप दो लोग मिलके अपना जो हॉस्पिटल या सेटअप चला रहे हैं तो यहाँ पे आपने पार्टनरशिप डीड जो है ये लाजमी अपलोड करनी है। और तीसरी चीज ये है कि इस तरह अगर पार्टनरशिप डीड आप अपलोड करते हैं, कल को आप दो लोगों में कोई मसला बनता है तो आप दोनों के पास सबूत होगा और आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका ट्रस्ट है तो, या कोई NGO है तो उसका आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये डिपेंड करता है कि आपकी टाइप कौन सी, आपने अपनी टाइप के हवाले से अपलोड करना है। अगर आप अपना हॉस्पिटल रजिस्टर करवा रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने एक नई चीज यहाँ पे ऐड की है, NOC फ्रॉम रेलिवेंट अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग द हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि आपने जो आपकी TM में है, लोकल गवर्नमेंट है, उससे NOC लेना। ये NOC वगैरह नहीं मिलता, लोकल गवर्नमेंट से NOC लेना बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा इसको आप स्किप करें और इसके बगैर आप अप्लाई करें तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसीड हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी जो मेरा क्लिनिक है ये रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे रेंटल पे क्लिक करूंगा और अपनी जो फाइल है उसमें ये मेरे पास अदर डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं और ये मेरे पास बिल्डिंग रेंट का एग्रीमेंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये मैंने इसको सबमिट कर दिया यहाँ पे। तो इसी तरह आप लोगों ने भी अपनी अटैचमेंट के अंदर जोन जोन से आपने डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करना चाहते हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा डेक्लरेशन एंड सबमिशन। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ तो हॉस्पिटल की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 5,000 रुपये है और 15 बेड का ये हॉस्पिटल है। और जो आप जिस सेटअप की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसकी फीस डिपेंड करेगी। अब करना ये है कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सारा फिल कर लेंगे, ये सारा मेरा जो फॉर्म है ये फिल हो चुका है, ये सिर्फ आखिरी ऑप्शन पे आ गया हूँ मैं। तो ये प्रिंट मैंने इसको करना है, यहाँ पे ये सब्ज रंग का बटन नजर आ रहा है राइट साइड पे आपको, ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो 5,000 रुपये फीस का चलान है वो यहाँ पे आपके पास जनरेट हो जाएगा। इसको आपने प्रिंट लेना है, प्रिंट लेने के बाद ये अस्करी बैंक की जो ब्रांच है वहां पे आपने इसको पे करना है और पे करने के बाद एक ये आपके पास अस्करी बैंक का जो है ये आ गया, चलान आ गया 5,000 रुपये का। यहाँ पे एक चीज आपने ख्याल करना है, ये अगर आप देखें आपको एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रेफरेंस नंबर है ये वाला। और अगर दूसरा, अगर आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे, होम पे जाना आपने, दोबारा होम पे जब दोबारा जाएंगे आप तो यहाँ पे ये जो मेरा OAP नंबर है और ये जो यहाँ पे OAP नंबर है ये दोनों सेम है। अब फर्ज करें कि आप ये चलान पे कर देते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि मेरा जनाब जी टाइप या कैटेगरी मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपकी फीस रिटर्न नहीं होनी और ना ही ये फीस आपकी किसी और एप्लीकेशन के अंदर एडजस्ट होनी है, ये आपकी एप्लीकेशन फीस जाया हो जाएगी। लिहाजा आपने करना ये है कि आपने सारी एप्लीकेशन पहले फिल करनी है, फिल करने के बाद तमाम एप्लीकेशन को आपने दोबारा रिव्यू करना है उसको और देखना है कि तमाम चीजें मेरी जो है वो एप्लीकेशन के अंदर पूरी हैं। पहले सेक्शन के अंदर आपने देख लेना है कि ये मेरी तमाम चीजें, तीनों यानी कि
ओनर की भी डिटेल है, मैनेजर की डिटेल है और डॉक्टर की भी डिटेल है। और जर्नल के अंदर ये यहाँ पे अब आप अपनी जो है एप्लीकेशन जो चेंज नहीं कर सकते, जर्नल की जो है वो आपने जो सिलेक्ट कर दिया है टाइप वो वहीं रहेगी, अब यहाँ पे आपने इसको नहीं चेंज कर सकते। फिर एचईसी की डिटेल को आपने दोबारा रिव्यू करना है, देखना है कि ये सारी चीजें मेरी पूरी हैं, और उसके बाद सर्विसेज को आपने देख लेना है, और फिर बेड कैपेसिटी को देखना है, यानी तमाम जो एप्लीकेशन है आपने उसको एक दफा रिव्यू करना है। और फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर कोई गलती हो गई है और आपने अभी तक फीस जमा नहीं करवाई, आपने चालान प्रिंट कर लिया, आप फीस करवाने जा रहे हैं लेकिन आपको पता चलता है कि मेरी जो टाइप या कोई मसला आ गया है, तो आपने इस एप्लीकेशन को यहीं पे छोड़ देना है, दोबारा अपने होम पे आएंगे आप और दोबारा यहाँ से नई एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे दोबारा वैसे ही प्रोसीजर होगा। लेकिन अगर जब आपने फीस जमा करवा दी तो फिर आप नई एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब जो नई एप्लीकेशन स्टार्ट होगी उस नई एप्लीकेशन के अंदर जाके आपने अपना फीस का चालान डाउनलोड करना है, इस एप्लीकेशन को आपने खत्म कर देना है। अब मेरी ये एप्लीकेशन है यहाँ पे, ये मैंने चालान जो है अपना डाउनलोड कर लिया है, इसका प्रिंट लेने के बाद मैं इसको अस्करी बैंक के अंदर मैंने इसको पे किया है, और पे करने की जो डेट है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, जो इसका चालान नंबर है, अभी ये इसका चालान नंबर है, इसको आप कॉपी करेंगे यहाँ से, और ये मेरे पास यहाँ पेस्ट हो गया, और ये मैंने पे किया है 29 तारीख का, 29 को यहाँ पे आ गया हूँ, और अस्करी बैंक शबाज रोड सूर, और यहाँ पे मैं इसकी जो अमाउंट है वो लिख दूंगा, और यहाँ पे आपने इसकी जो तस्वीर ली है वो आपने इसको क्या करना है कि यहाँ पे आपने अटैच कर देनी है यहाँ पे, और जैसे ही आप इसको अटैच करेंगे तो ये आगे आपका फर्दर जो है इसको प्रोसीड करेगा। इसमें मैं दोबारा फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपने फीस सबसे एंड पे जमा करवानी है, अगर आप पहले फीस जमा करवा देंगे फिर आपके लिए बड़ा मसला पैदा होगा। अक्सर हेल्थ केयर का जो अमला है वो चेकिंग के लिए आता है, वो कहता है कि आप एप्लीकेशन जमा करवा के अपनी फीस जमा, कम से कम फीस जमा करवा के ना अपने पास रसीद रख लें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दरख्वास्त जमा करवाते हैं, इसको फिल भी नहीं करते, सिर्फ चालान निकालते हैं, निकाल के जमा करवा देते हैं, और जब कोई अमला चेक करने आता है तो उनको कहते हैं कि ये देखें जनाब जी, हमने अप्लाई किया हुआ, ये फीस हमने अदा की हुई है, लेकिन उस फीस अदा करने का कोई फायदा नहीं है, वो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देगी बल्कि वो आपको नुकसान करेगी, लिहाजा ये मेरी फीस जमा होगी यहाँ पे तो मैं आगे फर्दर जाऊंगा। अब फीस जमा होने के बाद आप इसको मजीद कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, ये मेरा डाटा फीस जमा होने का सेव हो गया है। इसके बाद जो आखिरी ऑप्शन आ जाती है वो मैंने एप्लीकेशन को जमा करवाना है, जमा करवाने से पहले फिर आपने सारी एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप देखना है कि इस एप्लीकेशन के अंदर कोई मसला तो नहीं है, अगर मसला है तो आपने इसको यहीं पे ठीक करना है, क्योंकि आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन के बाद आपको दोबारा नए सिरे से नए फीस के साथ एप्लीकेशन जमा करवानी पड़ेगी। एंड पे मैं पहुंच चुका हूँ, फीस भी मेरी जमा हो चुकी है, उसकी डिटेल भी मैंने अपलोड कर दी है, यहाँ पे आ गया नेम ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर, ये डॉक्टर जमील साहब है, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे अपने साइन अपलोड करूंगा, और ये पहले आ जाएंगे इनके जो डॉक्टर जमील साहब हैं, ये इनके साइन अपलोड होंगे, ये मैंने साइन जो है वो स्कैन करके रखे हुए हैं, ये साइन अपलोड हो जाएंगे इनके, और ये थोड़ा सा वेबसाइट टाइम ले रही है। इसी तरह फिर यहाँ पे मैं ओनर लिखूंगा, यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा, चले यहाँ पे मैं अपने जो साइन है ओनर के वो भी साइन यहाँ पे अपलोड होंगे। साइन अपलोड करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो दुरुस्त इंफॉर्मेशन है और इसमें कोई किसी चीज का कोई गड़बड़ नहीं की गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे मेरा रेंट एग्रीमेंट आ गया, उससे ऊपर मेरा बैंक चालान आ गया, जो मैंने फीस जमा करवाई है उसके ऊपर मेरा डॉक्टर जमील के साइन आ गया, और उससे उसके ऊपर जो है ये मेरे साइन आ गए। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये दरमियान वाला जो बटन है एडिट, यहाँ पे आके इसको आप चेंज कर सकते हैं, अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको व्यू करके देख सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। ये तमाम तसल्ली करने के बाद आपकी तमाम एप्लीकेशन मुकम्मल हो चुकी है, तो उसके बाद आपने इसको सेव एंड सबमिट करना है, जैसे ही आप इसको सेव एंड सबमिट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास चली जाएगी, और ये 2 से 3 दिन जो और बाद का एक हफ्ते का टाइम लेते हैं, आपने अपनी जो ईमेल है उसको आपने बार बार देखते रहना है, यानी कि 1-2 दिन के बाद, और उसके बाद आप पोर्टल को भी लॉग इन कर सकते हैं, जिस तरह मैं अभी आपको एक सैंपल भी दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास ये आपको बड़ी अच्छी मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ, ये एक पोर्टल है मेरे पास, आप
अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपने हमारी सर्विसेज हायर करनी हो तो आप हमसे भी रابطہ कर सकते हैं। हम रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग जो और कंप्लेन और इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो उसकी हम सर्विसेज मुकम्मल तौर पे प्रोवाइड करते हैं। ये मेरे पास मुख्तलिफ क्लाइंट है जिनका मैंने काम करता हूँ, तो उनका वो डाटा, ये भी अभी मैं आपको एक क्लाइंट का दिखाता हूँ ओपन करके। तो ये मेरे पास एक क्लाइंट का जो पोर्टल है वो ओपन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं अपना नेट, मेरा यहाँ पे बहुत स्लो आ रहा है, इसको मैं चेंज करता हूँ, उसके बाद मैं भी ये दोबारा। तो इसमें ये आपके पास, ये एक मेरे क्लाइंट है, उन्होंने देखें ये यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। ये इन्होंने काफी ज्यादा ट्राई किए हैं, ये बार बार एप्लीकेशन जनरेट करते थे। पहले इन्होंने तारक सलामत लैब अल्ट्रासाउंड रजिस्टर करवाया, इसके जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो अलग होती हैं। फिर इन्होंने नई एप्लीकेशन बनाई, फिर 1 2 3 4 5 6 7 एप्लीकेशन इन्होंने ट्राई की है, लेकिन इनसे सातों की सातों में से कोई एप्लीकेशन इनसे जमा नहीं हुई। फिर इन्होंने हमसे रब्ता किया, तो ये अभी आप देख सकते हैं कि जो इनका जो लाइसेंस है ये अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुकी है, सॉरी लाइसेंस अप्रूव नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपके पास ये ऊपर ड्राफ्ट पड़े हुए हैं, जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो आपको ईमेल के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और शुक्रिया।